स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 10th के लिए है, नंबर ऑफ नाउन। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको नाउन के केवल 7 रूल बताएंगे, अर्थात 7 नियमों में नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने अपने कोचिंग से या स्कूलों में जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो है कम से कम 10-10, 12-12, 15-15 नियम पढ़े रहते हो और कन्फ्यूज़न रहता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा समझाया जाएगा कि सारी कन्फ्यूज़न आपको आपके जो है वो दूर हो जाए। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप किसी अन्य क्लास में हैं जिसमें आपका नाउन का नंबर पढ़ाया जाता है, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर जानते हैं कि नाउन के नंबर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, नाउन के नंबर का मतलब होता है, यहां लिखा नंबर से नाउन की संख्या का बोध होता है। मतलब जब भी हम किसी नाउन की चर्चा करते हैं तो वो कितना है, 4, 5, 10, 20, इस तरह से उसकी संख्या का अगर बोध होता है तो वो नाउन का क्या बोला जाता है, नंबर बोला जाता है। और नंबर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। नाउन में अगर हम नंबर की चर्चा करें तो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। फिर से देखिए, पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को हम एकवचन बोलेंगे और प्लूरल नंबर को हम बहुवचन बोलेंगे। तो नंबर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अच्छा, सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है ये जानते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। ठीक, तो सिंगुलर नंबर, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर की नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की केवल एक संख्या का बोध हो उसे सिंगुलर नंबर या नाउन कहते हैं। जैसे ही रीड्स अ बुक, मतलब वह एक किताब पढ़ता है, तो एक किताब पढ़ रहा है इसलिए जो ये एक बुक है वह आपका सिंगुलर नंबर हो जाएगी। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो एक पेन जो हो जाएगा वो नाउन का सिंगुलर नंबर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं। तो प्लूरल नंबर क्या होता है, तो देखिए प्लूरल नंबर में डेफिनेशन लिखा गया है कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है, सी हैज़ 2 बैग्स, मतलब उसके पास 2 बैग, मतलब झोले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने बैग की बात कर रहा है, 2। तो ये 2 जो है एक से अधिक है, तो एक से अधिक ये वस्तु हो गई तो जाहिर सी बात ये प्लूरल नंबर हो जाएगा। आई हैव अ बंच ऑफ 5 कीज, मतलब मेरे पास 5 चाबियों का गुच्छा है। तो 5 यहाँ पर जो है एक से अधिक का बोध कर रहा है, इसलिए हमारा जो ये 5 चाबियों का गुच्छा है ये प्लूरल नाउन आपका बोला जाएगा। ठीक, आप अब क्या करिए, यहाँ स्क्रीन शॉट लेना स्टार्ट करिए ताकि आप जो है इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको बेहतर समझ में भी आएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सब लोग समझेंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, रूल नंबर 1, जिन नाउन के अंत में ए, ई, डबल ई, वाई, ई वाई, ओ वाई, डबल ओ या फिर ए वाई आए तथा कॉन्सोनेंट व्यंजन, मतलब कि व्यंजन होता है, उनमें यश जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो अंत में जो है अगर आपका ये सब आता है तो उनमें हम यश जोड़कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, इतना याद रखना। अभी वाई वगैरह के लिए जो है यस भी जोड़ेंगे हटाकर, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए वाई के पहले क्या है, स्वर। यहाँ वाई के पहले ओ स्वर है, यहाँ वाई के पहले ई स्वर है, तो लास्ट में वाई होगा तो हम प्लूरल बनाने के लिए आई एस का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बात को आप समझिए, इसके पहले क्या है, स्वर ए, इसके पहले क्या है, स्वर ई, इसके पहले क्या है, स्वर ओ। तो अगर ये स्वर आ जाते हैं तब आपका प्लूरल बनाने के लिए केवल यस जोड़ना पड़ता है। ठीक, अच्छा, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। पहला बनाना,
तो लास्ट में ए है तो यस लगा दो। दूसरा हार्स, लास्ट में ई है तो यस लगा दो। तीसरा ट्री, लास्ट में यस है तो ई है तो डबल ई है तो यस लगा दो। अगला डे, तो डे में ए वाई है तो यस लगा दो। बॉय में बी वाई है तो यस लगा दो। की में ई वाई है तो यस लगा दो। बम्बू में डबल ओ है तो यस लगा दो। बैग में जो है जी है, तो ये तो साधारण चीज़ हो गया। देखो लिखा है ना कि ये शब्द आए तथा व्यंजन आए, तो लास्ट में जी तो व्यंजन है, तो व्यंजन आ रहा है मतलब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट हमने पहले लेक्चर में बताया भी है क्या होता है, तो कॉन्सोनेंट आ गया तब भी हमने क्या लगाया, यस। तो बनाना का बनानाज हो जाएगा, हार्स का हॉर्सेस हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, बम्बू का बम्बूज हो जाएगा और बैग का बैग्स हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला रूल है जिससे हम सिंगुलर से क्या बना रहे हैं, प्लूरल बना रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब हम चलेंगे दूसरा रूल पर, उससे पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है नोट्स बना लीजिए। चलिए दूसरा रूल है, जिन वाक्यों के अंत में यस, डबल यस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ होता है, उनमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या क्या होना चाहिए, यस, डबल यस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, ये सब अगर होंगे तो उसमें ई एस जोड़कर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, इतना याद रखना। अच्छा, जैसे हमारा बस है, बस में यस है तो हम ई एस जोड़ देंगे। जैसे हमारा ग्लास है, ग्लास में डबल एस है तो हम ई एस जोड़ देंगे। जैसे हमारा बंच है, बंच में सी एस है तो हम सी एच है तो हम ई एस जोड़ देंगे। जैसे हमारा बॉक्स है, बॉक्स में ई एस है तो हम यस, सॉरी, बॉक्स में यक्स है तो हम ई एस जोड़ देंगे। जैसे हमारा मैंगो लास्ट में ओ है तो हम ई एस जोड़ देंगे, मैंगोज हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं, जब कब हम यहाँ पर ई एस जोड़ेंगे, जब यस, डबल यस, सी एच, यस एच, एक्स और ओ आएगा तो हम उसमें ई एस जोड़कर जो है प्लूरल बनाएंगे। ध्यान दीजिए, बस का बसेस हो जाएगा, ग्लास का ग्लासेस हो जाएगा, बंच का बंचेस हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा और मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जैसे फोटो का फोटोज, यहाँ पर ई एस नहीं बल्कि यस ही लगेगा। पियानो का पियानोज जो होगा तो यहाँ पर भी ओके, वो लास्ट में आया लेकिन हमने यस लगाया है। तो ये एक्सेप्शन है, ये इस नियम के जो हैं एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, नियम ये है, ज़्यादातर नियम से ही चलेगा, कुछ अपवाद है तो मैंने यहाँ पर अपवादों को भी नोट कर दिया। एक्सेप्शन जो नियम को नहीं मानते हैं उसको भी मैंने यहाँ नोट कर दिया। अब इतने का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अब हम आगे चलेंगे, ठीक। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पेज का आ जाएगा और नेक्स्ट पेज में रूल नंबर 3 हमारा है। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है ये भी हम पूरा समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास रूल नंबर 3 में जो है लिखा है कि जिस नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, उनमें वाई को हटा दिया जाता है और आई ई एस जोड़ दिया जाता है। पिछले में देखिए ए वाई, ई वाई और ओ वाई था, तो मतलब स्वर था। यहाँ कॉन्सोनेंट होने की बात कर रहा है तो उसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेडी, डी के, वाई के पहले डी है, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर ई एस जोड़ देंगे। आर्मी, वाई के पहले यम है, कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर ई एस, आई ई एस जोड़ देंगे। सिटी, तो टी, टी है, कॉन्सोनेंट है, वाई हटाकर ई एस, ई आई एस, सॉरी, आई ई एस जोड़ देंगे। स्टोरी, तो इसमें जो है आपका आर कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे। यहाँ बेबी में वाई, वाई हटाएंगे, आई ई एस जोड़ देंगे। तो लेडी का लेडीज़ हो जाएगा, आर्मी का आर्मीज़ हो जाएगा, सिटी का सिटीज़ हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज़ हो जाएगा, बेबी का बेबीज़ हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक। अच्छा, रूल नंबर 4 हमारे पास आ रहा है, कुछ नाउन के अंदर वाबेल को बदल कर प्लूरल बनाते हैं, मतलब उनके वाबेल स्वर को ही चेंज किया जाएगा, ए ई आई ओ यू में ही परिवर्तन कर देंगे तो उनका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैन का मेन, मैन में एम ए एन है, मेन में एम ई एन है। हार्ट, जो माउस है, इसमें ओ यू को हटाकर आई कर दिया गया और यस को भी हटा दिया, यस को भी हटा दिया, ठीक, सी कर दिया गया, तो माउस का माइस हो जाएगा। तुथ का डबल ओ डबल ई में बदल जाएगा, तिथ हो जाएगा। तुथ माने एक दांत, तिथ माने जो है कई दांत। बूमेन का बूमेन हो जाएगा, फुट का फिट हो जाएगा। तो मैन मेन, माउस माइस हो गया, तुथ तुथ तीथ हो गया, बूमेन जो है बूमेन जो है बूमेन हो गया, फुट जो है फिट हो गया। तो इस तरह से रूल नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। अब रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें, जो रूल नंबर आपका 5 है, तो रूल नंबर 5 में ज़रा ध्यान दीजिए। रूल नंबर 5 में लिखा है, जिन नाउन के अंत में यफ या ई, यफ ई होता है, यफ रहे या यफ ई होता है, तो उनमें यफ या ई, यफ ई हटाकर वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं।
ऐसी नाउन की स्पेलिंग में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे वाई, ये जो है आपका वाइफ है तो इसमें एफ ही हटाओगे तो वी ई एस हो जाएगा, लाइफ में एफ ही हटाओगे तो वी ई एस हो जाएगा, नाइफ में एफ ही हटाओगे तो वी ई एस हो जाएगा, थीप में एफ हटाओगे, एफ पहले ही आएगा तो वो नहीं हटाना, बाद में आता है तब हटता है, तो यहाँ केवल एफ हटेगा वी ई एस हो जाएगा, यहाँ भी एफ हटेगा वी ई एस हो जाएगा, जैसे वाइफ का वाइफ्स हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, ठीक, और नाइफ का नाइफ्स हो जाएगा, थिप का थिप्स हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ सेल्वेस हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, रूफ का रूफ्स होता है, यहाँ पर जो है आप एफ नहीं हटाओगे, तो एक्सेप्शन अपवाद जरूर होते हैं, तो उनको जरूर पढ़ा करो क्योंकि वही ज़्यादातर आपके क्वेश्चन में बनते हैं एक्सेप्शन के, ठीक, नियम के कम बनते हैं, एक्सेप्शन के ज़्यादा बनते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 6 और 7 को साथ में पढ़ते, पहले 6 समझ लेते हैं। कुछ नाउन के अंत में ईएन और आरईएन जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे ऑक्स है तो ईएन जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन हो जाएगा, चाइल्ड है तो ईएन जोड़ दी, सॉरी आरईएन जोड़ेंगे, यहाँ ओ है तो ये आप चूंकि मिल गया है ईएन ही होगा, ठीक, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा, ठीक, CHILDREN, चिल्ड्रेन, ठीक। 7वां रूल हमारा क्या बोलता है, 7वां रूल बोलता है कि कुछ नाउन का सिंगुलर व प्लूरल समान होता है, जैसे डियर डियर, डियर माने एक हिरण, डियर माने कई हिरण, शिप शिप, फिश फिश, और स्पीसीज स्पीसीज, तो ये आपके जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे होंगे। अगर आपको ये 7 नियम क्लियर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई नहीं फंसा पाएगा। अब देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में आपको दिखाया, अब इसको समझाते हैं, इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास इससे रिलेटेड 6 पॉइंट है। कुछ सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाने पर उसका अर्थ भी बदल जाता है, जैसे एडवाइस जो है इसमें यस ई है और यहाँ पर जो है एडवाइसेस, इसका प्लूरल बनाएं तो एडवाइस माने सलाह और एडवाइसेस माने जो है सूचना, रिस्पेक्ट माने आदर, रिस्पेक्ट माने नमस्कार, फोर्स माने शक्ति और फोर्सेस माने सेना, ये ध्यान दीजिए। तो सिंगुलर और प्लूरल बनाओगे तो अर्थ भी बदल जा रहा है। कुछ प्लूरल नाउन का प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ध्यान दीजिए ये हमेशा सिंगुलर बोले, मतलब सिंगुलर में यूज़ करते हैं इनका। अब कुछ सिंगुलर का सदैव प्लूरल होता है, जैसे पीपल, पोल्ट्री, कैटल, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन, या आपका लगेज, या आपका जो है फर्नीचर, या आपका जो है ब्रीड, ध्यान दीजिए। अगले 2 और हैं। कुछ नाउन का प्रयोग केवल प्लूरल में होता है, जैसे आपका स्पेक्टल्स, और आपका जो है ये स्ट्रीजर्स, और आपका ये जो टाउजर्स है, ठीक, तो इनका केवल प्लूरल में उपयोग होता है। अगला आपका कंपाउंड्स, कंपाउंड नाउन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाली संख्या जो है का प्लूरल मुख्य मुख्य शब्द में ईएस जोड़ देते हैं, मतलब क्या क्या जोड़ देते हैं, सॉरी मुख्य शब्द में ईएस जोड़ देते हैं कंपाउंड नाउन में। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाला नाउन, तो उसमें आप ईएस जोड़ देंगे, सॉरी केवल एस जोड़ेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिस्टर इन ला, सिस्टर और ला, यहाँ पर देखिए कंपाउंड नाउन है, तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, मुख्य वाला जो मुख्य नाउन है उसी में एस जोड़ेंगे, सिस्टर में जोड़ देंगे सिस्टर्स हो जाएगा, सन में जोड़ देंगे सन्स हो जाएगा, कमांडर में जोड़ देंगे कमांडर्स हो जाएगा, ठीक। तो सिस्टर इन ला का सिस्टर्स इन ला हो जाएगा, सन इन ला का सन्स इन ला हो जाएगा, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।